एमएलसी जैसे और एमएलए लोग को भी अगर मताधिकार के वंचित किया जाएगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि हम तो कोई भाई साहब मुसलमान भी नहीं है, जो इन लोगों का एजेंडा है डबल इंजन सरकार का कि भाई हमको मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीनना है, हम तो हिंदू हैं। बिना जिलाधिकारी के सिग्नल का तो ये सब काम होता भी नहीं है, तो उनको उनको भी पनिश किया जाना चाहिए। कल भी बोले, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे, कोई हमारे आवाज को बंद नहीं कर सकता। 24 सीटों पर हो रहे बिहार विधान परिषद चुनाव की जो वोटिंग है आज वो हो रही है, लेकिन आज एक अजीबोगरीब घटना निकलकर सामने आई जहां एक विधान पार्षद को धक्के देकर बाहर किया गया। वोट देने वो गए थे, राजद के एमएलसी हमारे साथ हैं सुनील सिंह। एक वारदात हुई जहां आपको धक्के देकर बाहर किया गया, वोट नहीं डालने देने दिया गया, क्या कारण रहा सर? देखिए दरअसल हुआ क्या कि आज हम ठीक 11 बजे सोनपुर प्रखंड पहुंच गए, इसलिए कि अखबार में भी दिया हुआ था कि जो भी बिहार विधानसभा के सदस्य होंगे, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य होंगे, सांसद होंगे, सभी को यह जो क्षेत्रीय पदाधिकार का जो लोकल बॉडी का जो चुनाव हो रहा है इसमें उनको वोट भाग लेने की अनुमति है। वोटर लिस्ट भी तैयार हुआ है, बहुत जगह से जानकारी भी प्राप्त हो रही थी। चूँकि हमारा पूर्व से ही हम सारण जिले के सोनपुर अनुमंडल के डुमरी बुजुर्ग पंचायत के रहने वाले हैं, हमने कई बार वहाँ पर विधायक और एमपी के चुनाव में भाग लिया है, ये टोटल हमारा आई कार्ड भी है इलेक्शन का। जब आज गए ब्लॉक में तो मैंने कहा कि हमको वोट देना है, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, तो बोले कि भाई देखिए आपका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है। तो हम बोले कि इसके लिए दोषी कौन है, अब बताइए, उन्हीं से बात करें। तो बोले कि आप एक बार जिलाधीश महोदय से बात कर लीजिए। जब जिलाधिकारी महोदय से बात हुई तो उन्होंने बोला कि लगता है कि कहीं से टंकक भूल के कारण आपका नाम नहीं जुट सका है, फिर भी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई अगर एमएलसी जैसे और एमएलए लोग को भी अगर मताधिकार के वंचित किया जाएगा तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सीओ से बात किया, मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर से। तो उनसे भी मैंने ये बात कहा कि भाई अभी हम ऐसे से गए थे सोनपुर प्रखंड में वोट देने के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। तो बोले कि ऐसा तो संभव नहीं है, फिर भी हम जिलाधिकारी से बात करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। तो भाई सबसे गंभीर विषय है कि हम तो कोई भाई साहब मुसलमान भी नहीं है, जो इन लोगों का एजेंडा है डबल इंजन सरकार का कि भाई हमको मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीनना है, हम तो हिंदू हैं। अच्छा, ऐसा भी सौतेला व्यवहार क्या सदन में बोलने का ये खामियाजा भुगतना पड़े कि आपको वोटिंग अधिकार से भी वंचित होना पड़े, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य के लिए कोई स्थिति हो नहीं सकती है। और हम सीधा कहते हैं कि इसमें जो भी पदाधिकारी दोषी हैं हमारे नाम काटने में, चाहे कितने भी असरदार पदाधिकारी हों, क्यों नहीं जिलाधिकारी हों, बिना जिलाधिकारी के सिग्नल का तो ये सब काम होता भी नहीं है, तो उनको उनको भी पनिश किया जाना चाहिए। किसी के आप वोटिंग अधिकार को खत्म नहीं कर सकते हैं। यदि एमएलसी हैं, धक्के देना कहां तक उचित है? देखिए धक्के देने का सेंस ये हुआ कि वहां के जो भी मजिस्ट्रेट थे बोले कि हजूर हम लोग से बात विवाद करने से तो कोई लाभ आपको है नहीं, आपको तो चूंकि आप खुद ही माननीय हैं, आपको तो जिलाधिकारी से या सीओ से बात करना चाहिए। तो भाई मैंने भी देखा कि जरूरी है, तो बोले कि देखिए यहाँ पर ज़्यादा आप वाद विवाद कीजिएगा सर तो हम लोग को नियम संगत कार्रवाई करना हो। मैं भी समझ रहा हूँ कि भाई उसकी क्या गलती है, उसको तो जो वोटर लिस्ट ऊपर से नाम काट करके भेजा गया उसी को ना मताधिकार का प्रयोग कराएगा। तो ये सीधा सा बात है, हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है कि किसी एमएलए एमपी और एमएलसी का भी नाम अगर काट दिया जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस राज्य की स्थिति क्या हो सकती है। आज आपका नाम काटा गया है, कल कहा जाएगा कि आप स्टेट से तरीपार हो गए। बड़ा सवाल ये भी है सर कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो सदस्यता पर भी कहीं ना कहीं फिर एक खतरा बैठता है। निश्चित रूप से आगे का विषय है कि जब हम वहाँ के वोटर में नाम मेरा नहीं है तो जिस आधार पर हमको बनाया गया है एमएलसी वो भी गलत हो गया एक तरह से। जब मेरा नाम है ही नहीं तो फिर हम एमएलसी कैसे बने भाई, कैसे हमको वहाँ के एसडीओ ने सर्टिफाइड कॉपी दिया था उस समय वोटर लिस्ट का। तो ये देखिए बहुत गंभीर विषय है, जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी हो, कितने बड़े पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। एक सवाल ये है, एनडीए की सत्ता लंबे वक्त से बिहार में है, पेज वाइज एजेंट बनते हैं चुनाव के समय, पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, तो क्या इस तरीके से जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि आपका नाम जान के काट दिया गया, तो कई ऐसे लोगों का भी नाम काटा जाता होगा जिनको लोग समझते होंगे ये दूसरे विचारधारा के हैं, दूसरे पार्टी के प्रति समर्पित हैं? तो
तो आपको ऐसा लगता नहीं है? लगातार आप देखे नहीं पिछला जो गत चुनाव का जो रिजल्ट हुआ है एमएलए का, कहीं 50 वोट कहीं 100 वोट लोग हार करके अपने घर में जाकर सो गए थे, उनको बुला करके उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये तो आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से जनमत की चोरी की गई, किस तरह वहाँ के क्षेत्रीय जो रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने खुला खुला नियमों का उल्लंघन किया और जबरदस्ती जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको सर्टिफिकेट तमाद करके सरकार बनवाया। तो सारा चीज़ तो आपके आँख के सामने घटना घटा है, कोई नई बात है क्या? सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार के गलत नीति है, जो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ में लगातार हम सदन में बोलते आए हैं, कल भी बोले, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलते रहेंगे, कोई हमारे आवाज को बंद नहीं कर सकता है, जानिए। तो भाई कोई कानूनी कार्रवाई भी आप करेंगे? करेंगे ना, निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जाएंगे कि मेरे वोटिंग अधिकार को कैसे खत्म कर दीजिएगा। मेरे वोटिंग अधिकार को आप खत्म नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, दो तीन कारण है। अरे भाई सच पूछिए तो जो भाई एजेंडा है जदयू और भाजपा का कि मुसलमानों का हम वोटिंग राइट करेंगे, तो हम तो उस श्रेणी में भी नहीं आते हैं। हम तो मुसलमान नहीं हैं, जैसे मुसलमान भी भारत का नागरिक है उसी हम भी भारत के नागरिक हैं। हम तो भाई हिंदू हैं, हमारा वोटिंग अधिकार आप क्यों खत्म कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। कौन लोग दोषी हैं कुल मिलाकर? हम तो कर रहे हैं ना कि देखिए बिना ऊपर के इशारे से नीचे के जिलाधिकारी हिलते नहीं हैं। तो ये तो भाई जांच का विषय है कि इतना बड़ा चूक कहाँ हुआ। सारण जिला में तो मात्र 2 MLC हैं, एक हम हैं और एक वीरेंद्र बाबू हैं, बाकी तो MLA हैं, जो भी हैं 6 MLA हैं। तो भाई MLA को अधिकार दे दिया गया, एक जो रूलिंग पार्टी के जो MLC हैं उनको अधिकार दे दिया गया, हमी को काट के अलग कर दिया गया। क्यों काट के अलग कर दिया, वही तो हम जानना चाहते हैं। तो क्यों नाम काटा गया है इसको लेकर अब सवाल जो है वो सुनील सिंह ने पूछा है। देखने वाली बात होगी कि जो बड़ा आरोप और कार्रवाई की बात ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े जो कि मुखिया हैं बिहार के, उनके इशारों पर ऐसा किया गया है, तो आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाती है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।